तो आइए स्टार्ट करते हैं, मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं और उन संभागों में कितने जिले शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश में टोटल जो है आप देख सकते हैं 10 संभाग है। जी हाँ फ्रेंड्स, भोपाल संभाग है, चंबल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, नर्मदापुरम है, रीवा है, सागर है, शहडोल है, उज्जैन है। तो टोटल ये 10 संभाग जो है ये मध्य प्रदेश में है। सबसे ऊपर की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों का है कौन सा वाला हिस्सा, तो ये आप लोगों का नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये आप लोगों का फ्रेंड्स साउथ वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। तो उत्तर में कौन कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश में, तो ये उत्तर वाले जिले हैं जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, सीहोर, इस तरीके के जो जिले हैं ये सबसे ऊपर हैं आप लोगों के नॉर्थ में। यदि आपसे बात किया जाए भाई ईस्ट में बताइए पूर्व में कौन कौन से जिले हैं, तो पूर्व में मध्य प्रदेश में क्या है, सिंगरौली है, शहडोल है, सीधी है, रीवा है, उमरिया है, अनूपपुर है, ये क्या है आपके पूर्व में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए वेस्ट में कौन कौन से हैं पश्चिम में, तो फ्रेंड्स पश्चिम में आप लोगों के हैं नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, ये आप लोगों के कहाँ हैं वेस्ट में है, पश्चिम में है। साउथ में भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपका साउथ में बैतूल है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, ठीक है, इधर से बुरहानपुर है, ये आप लोगों के क्या है, ये आप लोगों के दक्षिण में जिले हैं। तो मध्य प्रदेश जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, किन किन जिलों से घिरा है ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो ये आपको ठीक है यहाँ से देखकर बताना होगा, याद रखिएगा। यदि हम आपसे बात करें ग्वालियर संभाग की, तो ग्वालियर संभाग जो है फ्रेंड्स कहाँ पर है, उत्तर में है, कहाँ पर है, नॉर्थ में है। छिंदवाड़ा कहाँ पर है, ठीक है, तो ये साउथ में है। आपसे पूछ लिया जाए भैया बताइए शहडोल कहाँ है, तो शहडोल के लिए ढूंढना पड़ेगा कहाँ है शहडोल, बताइए, बोल सर ये पूर्व में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए नीमच कहाँ है, तो नीमच कहाँ है, पश्चिम में है, तो ये आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कई बार। तो ग्वालियर जो है आप लोगों का उत्तर में है, आपको हमने मैप के थ्रू भी बता दिया है। ग्वालियर में टोटल 5 जिले शामिल हैं। जी हाँ, ग्वालियर संभाग है और संभाग थ्रू ही आपके सारे काम होते हैं, उस जिले में जो भी योजना आती है वो संभाग में आती है। तो ग्वालियर जो है, ठीक है, ये संभाग है, संभाग सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों का शिवपुरी है, गुना है, दतिया है, अशोक नगर है, तो संभाग होता है, फिर आपका नगर निगम होता है, फिर आपकी नगर पालिका होती है, तो इस तरीके से ठीक है योजनाएं मिलती हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स कुल 34 तहसील, 22 जनपद पंचायत इसमें शामिल है। ग्वालियर का एक ठीक है प्रमुख जो महल है वो है मोती महल, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का रूप सिंह ठीक है हॉकी स्टेडियम भी है, और यहाँ पर फ्रेंड्स ग्वालियर का आपका जो है सबसे बड़ा किला भी है, रूपमती रानी के लिए उसे बनवाया गया था, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से पेपर में भी पूछा जाएगा कि भैया ग्वालियर में क्या क्या फेमस है, तो यहाँ पर गुजरी महल है, यहाँ पर इटालियन गार्डन है, यहाँ पर आप लोगों का फ्रेंड्स ठीक है ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो है वो राजमहल है उनके परिवार का, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है फ्रेंड्स, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो है ग्वालियर गई थी अंग्रेजों के खिलाफ शरण मांगने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए, तो अंग्रेजों के साथ में ठीक है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वजों का परिवार था तो उन्होंने मना कर दिया था, तो यहीं से जब वो बाहर निकल रही थी तो अंग्रेजों ने उन्हें घेर कर यहीं पर मार दिया था। ग्वालियर में जू है फ्रेंड्स, गांधी जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, गांधी ठीक है उद्यान जो है कहाँ पर है आप लोगों का, तो ये आप लोगों का ग्वालियर में है। जी हाँ, टिगरा डैम आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये बताइए टिगरा बांध कहाँ पर है, तो टिगरा बांध आप लोगों का ग्वालियर में है। प्यारे बच्चों, जय विलास पैलेस, जी हाँ फ्रेंड्स ये वही पैलेस है, सिंधिया परिवार का पैलेस है, इसे म्यूजियम के रूप में भी रखा गया है, और आधे हिस्से में जो है आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ रहते हैं। सूर्य मंदिर आपसे पेपर में पूछा जाता है, बताइए सन टेंपल कहाँ पर है, तो सूर्य मंदिर आप लोगों का ग्वालियर में है। गौस मोहम्मद का जो मकबरा है, जी हाँ फ्रेंड्स किसका मकबरा, गौस मोहम्मद जो थे इनका यहाँ पर क्या है मकबरा है। जी ये बहुत फेमस जगह है मुस्लिम धर्म के हिसाब से।
दी फोर्ट, जी हाँ श्वेन, सबसे बड़ा किला मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो ग्वालियर किला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला है। यदि हम आप लोगों से बात करें श्वेन्स, तो आप इस मैप में देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्वालियर है, और ग्वालियर कहाँ पर है आप लोगों का, तो ये नॉर्थ में है, ठीक है। तो श्वेन्स यहाँ पर कौन कौन से राजाओं ने शासन किया ग्वालियर में, तो गुर्जर ने, परिहार ने, कौन कौन से राजाओं ने किया, गुर्जर राजाओं ने यहां पर शासन किया, ठीक है, प्रतिहार ने, और किसने किया, ठीक है, तोमर राजवंश भी यहीं से संबंधित था, तोमर। इसका कछवाहा वंश का भी श्वेन्स यहां पर शासन रहा है, जी हां श्वेन्स, कछवाहा। इसके बाद में यदि हम आगे आप लोगों से चर्चा करें श्वेन्स, तो जो आपके ग्वालियर का जो नामकरण है, ये गवालिपा नाम के, ठीक है, एक संत हुआ करते थे, ठीक है, या गवालिपा या ग्वालिका, ठीक है, इस नाम के संत थे यहाँ पर, जिन्होंने सूरज सेन नाम के राजा जो ग्वालियर के किले में रहते थे उनका इलाज किया, तो इसी के नाम पर जो है ग्वालियर का नाम पड़ गया, ठीक है। इसके बाद में ग्वालियर में क्या क्या फेमस चीज़ है, तो मुरार यहाँ पर एक बहुत फेमस जगह है। मुरार क्या स्ट्रेंस, तो ये मिलिट्री कैंप है मुरार, जी हाँ, मिलिट्री ऑफिस है स्ट्रेंस आज भी। थाटीपुर क्या स्ट्रेंस, तो थाटीपुर जो है जहाँ पर अंग्रेज सेनाएं रहा करती थी, उनके ऑफिसर रहा करते थे, तो थाटीपुर एक जगह है ग्वालियर में। सहस्त्रबाहु का मंदिर है, जिसे सासबाहु का मंदिर भी कहा जाता है, भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है आप लोगों का ग्वालियर में, ये याद रखिएगा आप लोग। गोरखी क्या है स्ट्रेंस, तो गोरखी जो है एक रेजिमेंट है, तो स्ट्रेंस सिंधिया परिवार के द्वारा जो है यहाँ पर गौराक्षी मंदिर बनाया गया और उनके लिए एक स्कूल बनाया गया यहाँ पर, ठीक है, गौराक्षी, ठीक है, मंदिर है, और गोरखी जो है रेजिमेंट है जिनके लिए स्कूल बनवाया गया था, किसके द्वारा, सिंधिया परिवार के द्वारा, कहाँ, ग्वालियर में। पिछड़ी ड्यूटी क्या है, तो स्ट्रेंस महल बनाने के लिए पहले क्या किया जाता था, एक सफ़ेद झंडा गाड़ा जाता था जब किसी महल का निर्माण होता था, तो ये पिछली ड्यूटी जो है, जो समय है, उसके साक्ष्य भी आप लोगों को ग्वालियर में ही मिलते हैं। तेली का मंदिर, जी हाँ स्ट्रेंस, जो एक राजा थे, कौन से राजा थे स्ट्रेंस, तेल्प राजा थे, तेल्प राजा ने साउथ से ये, ठीक है, मंदिर की कला सीख कर आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर जो होते हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर क्या होता है, गुम्बज होता है, ठीक है, और झंडा लगा रहता है, तो इन्होंने वो प्रथा को बंद करते हुए अपने लिए साउथ के स्ट्रक्चर पर एक मंदिर बनवाया है, तेली का मंदिर, ठीक है। ये किस पर आधारित है, तो ये आप लोगों को दक्षिण कला का एक, ठीक है, यहाँ पर प्रमाण मिल जाएगा, जो 8वीं सदी में बनाया गया था, ठीक है। पान पत्ते की गोट किसे कहा जाता है, तो पूना के जो मराठा सेना जब पानीपत युद्ध से पराजित हो गए थे, वहां से भागे थे, ठीक है, तो वो यहां आकर रुके थे, एक जगह पान पत्ते की गोट के नाम से फेमस है, जहां पर जो है मराठा लोग आकर रुके थे। डरफिन सराय क्या स्वेंस, तो डरफिन ने जो है, ठीक है, क्या किया था, ग्वालियर में लगभग 800 लोगों को फांसी दे दिया था, तो वो जो जगह है उसे डरफिन की फांसी वाली जगह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि डार्फिन जो था वायसराय था आज के समय का कलेक्टर, जिन्होंने फांसी के आदेश दे दिए थे लोगों को, ये याद रखिएगा। कोटा की सराय क्या स्ट्रेंस, तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, वो कोटा की सराय है, जो 17 जून 1858 को हुआ था, ठीक है, कोटा की सराय के नाम से उसे जाना जाता है। लश्कर क्या है, तो स्ट्रेंस रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों का जो अंतिम युद्ध हुआ था, ठीक है, वो जगह भी लश्कर के नाम से जानी जाती है। तो जी हाँ स्ट्रेंस, ये दो युद्ध हैं, लश्कर और कोटा वाले, 15 जून 17 जून, दोनों ही अंतिम युद्ध थे, मतलब एक दिन दो दिन का फर्क है, तो लश्कर और कोटा सराय जो एक ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये सब कहाँ है आप लोगों का, तो ये आप लोगों का स्ट्रेंस ग्वालियर में है, क्योंकि लास्ट लड़ाई रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर में ही हुई थी। ग्वालियर में, ठीक है, अंग्रेजों को भगाया जा सकता था यदि सिंधिया परिवार रानी लक्ष्मीबाई का साथ देता तो, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के साथ वो नहीं आए, क्योंकि अंग्रेजों के सबसे बड़े जो चहेते थे वो ग्वालियर साम्राज्य था। इसके बाद स्वेंस मोरार छावनी क्या है, तो 1 जून और 16 जून के बीच में स्वेंस जो युद्ध हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों का, रानी लक्ष्मीबाई का, सिंधिया परिवार का, तो वो मोरार छावनी है, ठीक है। इसके बाद में स्वेंस आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा कि भैया बताइए फूलबाग क्या है, तो स्वेंस फूलबाग जो है यहाँ पर, ठीक है, सूर्यास्त के समय पर महारानी लक्ष्मीबाई का क्या किया गया था, अंतिम संस्कार इसी जगह पर किया गया था, फूलबाग वाली जगह पर, 17 जून 1858 को लास्ट लड़ाई के दौरान, ठीक है, लक्ष्मीबाई शहीद हो चुकी थी,
तो उनका यहाँ पर स्मारक भी है। तो ये आप लोगों के स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ग्वालियर से रिलेटेड। यहाँ पर रूप सिंह का हॉकी स्टेडियम भी है, बहुत ही फेमस जगह है ग्वालियर। लगातार आप लोगों के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप भी कोचिंग करते हैं तो आपको भी ऐसे ही लाइव क्लासेस दी जाती है, ठीक है। 4 घंटे की आपको डेली ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विथ रिविजन आपको करा के दिया जाता है। तो यदि आप कोचिंग करते हैं तो आपका भी 100% पेपर निकल जाएगा। अभी भी आपके पास में समय है, यदि आप अभी लाइव टेस्ट लगाना चाहते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर लगाना चाहते हैं, तो आज ही कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि आपके पास में समय कम बचा है। क्वालिटी आपको पढ़ना पड़ेगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं जरूर संपर्क करें, मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। बाय बाय।